बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैर एकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लाइबा आबिद। टुडे वी डिस्कस हियर द चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, विच नेम इज़ द सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। जैसा कि जो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया था उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट को ऐड कर दोगे यानी कि सोल्यूशन बना दोगे तब उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि सोल्यूट को ऐड करने से किसी भी सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लोरिंग का मतलब होता है कम होना। किसका कम होना? वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखें कि हमारे पास एक कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर जो है सबसे टॉप पे जो हमारे पास जो है कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट जो है वो लिया गया। सॉल्वेंट जो है इस कंटेनर को जो है क्लोज रखा गया। आपको पता है कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल स्टेट में जो है वो कंटिन्यू रहता है। वाटर लिक्विड फॉर्म में जो है हमारे पास सॉल्वेंट है, तो हमारे पास जो है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में जो है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे वो वेपर फॉर्म में चेंज होंगे वो अबव ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड चले जाएंगे। जब वो अबव जाएंगे तो वो अगेन आकर सरफेस ऑफ लिक्विड पर जो है वो अगेन क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जो स्ट्राइक करेंगे इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर्स का प्रेशर। अब मैंने फर्दर कंटेनर वन को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। कंटेनर वन में जो है वो मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड जो है वो लिया है, तो कंटेनर जो है वो क्लोज है। अगर आप देखें बल्क ऑफ लिक्विड जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो अलाइंड है। अब रूम टेम्परेचर पे जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो रहा होता है। तो हमारे पास जो है लिक्विड के जो पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो चेंज हो जाएंगे वेपर्स में। वो वेपर्स जो हैं वो कंटेनर्स की वॉल पे भी टकराएंगे और अगेन सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर भी जो है वो स्ट्राइक करेंगे। जब वो अगेन सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ जो है वो स्ट्राइक करेंगे, जिस प्रेशर के साथ स्ट्राइक करेंगे उस प्रेशर को हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ लिक्विड है या वेपर्स है। अब नेक्स्ट जो कंटेनर टू जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस कंटेनर में जो है वो सॉल्वेंट जो है प्योर फॉर्म में नहीं है, मैंने सोल्यूट को ऐड कर दिया। जब मैंने सोल्यूट को ऐड किया तो आप देखें जो हमारे पास यहाँ पे लेयर बन रही है वहाँ पे मैंने रेड पार्टिकल्स के साथ साथ ब्लू जो है वो डॉट रिप्रेजेंट किए। ये जो ब्लू डॉट हैं ये सोल्यूट पार्टिकल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जितने ज़्यादा हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल बनेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर का जो रेट होगा वो हाई होगा। लेकिन जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स के एवेपोरेशन को जो है वो हिंडर करते हैं, हिंड्रेंस जो है वो कोज करते हैं। उन्हें वेपर फॉर्म में चेंज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से कम मॉलिक्यूल जो हैं सॉल्वेंट के वेपर में चेंज होते हैं और जब वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो कम सोल्यूट पार्टिकल जो हैं, कम सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो वेपर्स में चेंज हुए हैं, तो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है अगेन लिक्विड की सर्फेस पर वो भी क्या होगा, कम होगा। इससे जो है ये बात क्लियर हो जाती है कि जब किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड अप कर दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। अब एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो एक सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना से मुराद ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल ऐसे दे देती हूँ मैं आपको, अगर फ्लोर पर जो है वो पानी गिर जाता है, अगर आप उस पानी को स्प्रेड कर देते हो, जब आप उसको स्प्रेड करोगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा रहे हो। जब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो वो वाटर जो है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वो वाला वाटर जिसने सरफेस एरिया जो है वो कम ऑक्यूपाई किया हुआ था। इनकी सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का रेट भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अब मैं लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करूँगी। इसको समझने के लिए मैं राउट्स लॉ की जो थर्ड डेफिनेशन है वो यहाँ पे कोट करूँगी। यानी कि लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये पहले हम प्रीवियस आर्टिकल्स में जब हमने राउट्स लॉ पढ़ा था इसको डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर, लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो रिप्रेजेंट करूँ यानी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और हमारे पास x2 किसके इक्विवेलेंट होता है, n2 ओवर n1 प्लस n2। n2 ओवर n2 बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी किया था उसकी कंडीशंस पढ़ी, तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, इनके सोल्यूशन का डाइल्यूट होना ज़रूरी है।
देन ही हमारे पास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओबे हो सकती हैं। तो एक्स टू हम जैसे कि ऊपर देख चुके हैं, अगर सोल्यूशन हमारे पास डिल्यूट है तो यानी कि उसमें सोल्यूट की अमाउंट ना होने के बराबर है, बहुत कम है। डिल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और सोल्यूट जो है वो माइनर क्वांटिटी में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डायल्यूट सोल्यूशन बनाना है, मेरे पास एक ग्लास है, अगर मैं उसमें 2 स्पून ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड करूँगी, उसके रिजल्टेंट जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा वो मेरे पास कंसनट्रेटेड बनेगा, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ हमारे पास सॉल्ट जो है वो अगर मैं लार्ज बॉटल में जिसमें वाटर की अमाउंट क्या है ज़्यादा उसमें डिजोल्व करूँगी, उसके रिजल्टेंट जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में जो है वो सोल्यूट की अमाउंट जो है वो ना होने के बराबर होती है, वो निग्लिजिबल होती है। इस वजह से हम जो है वो एन टू को जो है वो डिनोमिनेटर में जो है वो निगलेक्ट कर लेंगे, तो इक्वेशन जो है वो एक्स टू की कुछ यूँ बन जाएगी, एक्स टू जो है वो इक्वलेंट है एन टू ओवर एन वन के, एन टू जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर एक्स टू की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन में पुट करूँगी, लाइक डेल्टा पी ओवर पी नॉट में अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगी तो हमारे पास इक्वेशन वन कुछ यूँ बन जाएगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को रिकॉल करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, गिवन मास ओवर मोलर मास के, सो एन वन जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा गिवन मास को, अगर हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर मास को हम एम से रिप्रेजेंट करें, सो द एन वन बिकम एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन ओवर एम वन, और एन टू हमारे पास बन जाएगा एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू ओवर एम टू। अब हम एन वन और एन टू की वैल्यू जो है इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास यूँ बन जाएगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू ओवर एम टू, यानी कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुट की वो एन टू की डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन ओवर एम वन, यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट कर दी वो किसकी की, एन वन की कर दी। अब देखिए फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन है, जब इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसके जो कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, लाइक नीचे वाली अमाउंट ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाएगी। अगर आप देखें तो हमारे पास डब्ल्यू वन ओवर एम वन है, जब हम इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई साइन के साथ तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट बनेगा वो एम वन ओवर डब्ल्यू वन, एम वन वहाँ पर जो था वो डिनोमिनेटर में था लेकिन यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा और डब्ल्यू वन एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हमने किसी भी सोल्यूट का जो है वो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलैलिटी उस जगह चली जाएगी जबकि मोलैलिटी इन्वर्स में है, इस वजह से डेल्टा पी और पी नॉट यहाँ पर इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इन्वर्स फॉर्म इसका चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी एम टू इज इक्वल टू पी नॉट ओवर डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू टू एम टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन। पी नॉट ये वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, जबकि डेल्टा पी जो है वो वेपर प्रेशर है, वो कौन सा वेपर प्रेशर है जो सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड अप किया तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसका आर्टिकल जो है डिस्क्लोज हुआ। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया है ये आपकी बुक एग्जाम्पल नंबर जो है वो 10 पे जो है वो वेरीफाई करेगा, आपका जो एग्जाम्पल को सॉल्व करने का जो है वो टास्क मैं आपको दे रही हूँ, आपने एग्जाम्पल को जो है वो खुद सॉल्व करना है, ये आपके असाइनमेंट वर्क है। आज के लिए जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था वो सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा जो है वो अपनी कन्वर्सेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।